नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। आज हम वंदे मातरम में बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में कूड़े के ढेर पर होने वाली सियासत की। केंद्र और केजरीवाल के बीच मची जंग से क्या दिल्ली का कूड़ा हो रहा है? एमसीडी कर्मचारियों को हड़ताल के जरिए भले ही वेतन मिल चुका हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं और इन सब के बीच पिस रही है बेचारी दिल्ली की जनता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कचरे पर जो सियासत हो रही है वो कितनी वाजिब है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगी फोन लाइन पर। इसके अलावा राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता है गाजियाबाद से, वो भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ मौजूद है विभा सिंह जी जो की वरिष्ठ उप प्रधान है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीचर एसोसिएशन की। हर एक शख्स से हम हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। तो एमसीडी पर जो राजनीति हो रही है उसके हर एक पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 12 दिनों से दिल्ली में जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, जहां एक तरफ दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सपने दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि अब दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर बिखरे हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी से लेकर कांग्रेस सियासत कर रही है। केंद्र और केजरीवाल के बीच फंसी दिल्ली, कभी किसानों पर राजनीति, कांग्रेस की सियासी सांत्वना, तो कभी कूड़े के ढेर पर गंदी राजनीति। क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भले ही खत्म हो चुकी है, एमसीडी कर्मचारियों के लिए 493 करोड़ रुपए का वेतन जारी किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में लगे 15,000 टन कूड़े के ढेर पर सियासत अभी भी जारी है। दिल्ली में फैली गंदगी को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत तमाम पार्टी विधायक और नेता दिल्ली की सड़कों पर सफाई करते नजर आए। सरकार ने जो मांगी थी एमसीडी कर्मचारियों की, उसको परसों ही पैसा रिलीज करके वो काम कर दिया है। झूठी बात है कि उनके हड़ताल में और उनके आंदोलन में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने, आपको याद होगा, रामलीला मैदान के अंदर संवाद किया था मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के साथ, और उसमें भी फंड रिलीज किया था, उसके पहले भी फंड रिलीज किया था। जो सरकार पैसा देती है उसको एमसीडी वाले दूसरे कामों में लगा देते हैं। वही दिल्ली के सियासी अभियान में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी भी दाव पेच खेलती नजर आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय दिल्ली की सड़कों को साफ करते दिखे, तो इस दौरान वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शासन चलाने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं, इसलिए वो सरकार चलाने के बजाय एलजी केंद्र और दूसरों से लड़ाई में व्यस्त हैं। बाकी लोग तो केवल राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो ये कूड़े की समस्या केजरीवाल साहब के द्वारा पैदा की गई थी, उस समस्या से इमीडिएटली निदान निकालना। केजरीवाल साहब को गवर्नेंस करनी आती। तो आपके सफाई अभियान को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नौटंकी करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, सफाई कर्मचारियों के हड़ताल खत्म करने के बाद आम आदमी पार्टी सफाई अभियान चला रही है, ये उनके लिए फोटो खिंचवाने का अवसर है। मोदी और केजरीवाल नौटंकी में मास्टर हैं। तो यहाँ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो अधिकारों की जंग छिड़ी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जनता का, दिल्ली का नुकसान हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर, आप क्या कहेंगे कपिल जी? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो भी कुछ हो रहा है दिल्ली में, उसका असली विलन कौन है? इसका असली विलेन है भाजपा की अपनी हार। जिस तरीके से भाजपा हारी है, इस बार सत्ता से दूर रह गई है, उस चीज को हजम ना कर पाना उनका मेन दुख है, और उस दुख को वो किसी भी तरीके से हमारी सरकार को काम ना करने
की चेष्टा के लिए मेहनत और प्रयास कर रही है। किसी भी भाजपा के नेता ने अभी तक ये जिम्मेवारी नहीं ली कि 12 दिन से हड़ताल चल रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से या केंद्र सरकार से किसी भी मामले को हल करने की चेष्टा करी गई हो, कोशिश करी गई हो जी। भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है और जैसे कहा जाता है एक सोर लूजर की भूमिका निभा रही है। कपिल जी, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जैसे राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में सफाई कर्मचारियों के साथ आके वो सड़कों पर बैठ गए, फटाफट फंड रिलीज कर दिया गया, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की वजह से। देखिए, फंड रिलीज की बात है, सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी को अप्रोच किया था और मुख्यमंत्री जी ने जैसा वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप उन्होंने 2 दिन के अंदर उनसे संवाद करके फंड को रिलीज कर दिया गया। उस फंड को समय सीमा से पहले रिलीज करा जा रहा है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री या प्रशासन दिल्ली सरकार के हक में पॉसिबल नहीं है। प्लस आप ये बात देखिए कि हम हमेशा ये कहते हैं एमसीडी की मैनेजमेंट भाजपा के हाथ में है, तो मैनेजमेंट का जिम्मा जब भाजपा नहीं कर पा रही है तो मैनेजमेंट छोड़ क्यों नहीं दे रही उस चीज की। यही आरोप कपिल जी, यही आरोप जो है बीजेपी लगा रही है कि दिल्ली सरकार जब केजरीवाल चला नहीं पा रहे हैं तो सरकार छोड़ क्यों नहीं देते, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए और जनता पिसती रही। और ये इसलिए जो आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, आप कह रहे हैं जो एमसीडी के कर्मचारियों को जो सैलरी दी जानी चाहिए थी आपकी तरफ से रिलीज कर दिया गया था, लेकिन एमसीडी ने उसे किसी दूसरे फंड में या किसी दूसरे हेड में जो है उसे खर्च कर दिया। लेकिन आज जो ये मामला आया है उसके बाद सैलरी उन्हें रिलीज हुई है, क्या सरकार की जिम्मेदारी यहीं पे खत्म हो जाती है कि पैसा उन्होंने दिया और एमसीडी ने उसे दूसरे हेड में खर्च कर दिया उसको, तो कर्मचारी भूखे मरे, उनको रोड पे आए हड़ताल करे, कूड़ा पूरे शहर को कूड़े दाम ने बदल दे और सरकार निश्चिंत होकर बैठी रहे, क्या अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? उन्होंने इसको खत्म करने के लिए क्या किया इस परेशानी को? आप ये देखिए, हमारी अगर जिम्मेदारी खत्म हमने मान ली होती तो आज हमने अपने खुद पार्टी के वॉलंटियर्स को सुबह 6 बजे से पूरी दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं के साथ ये बात नहीं मानूंगा। ये जब ये काम आपने बीजेपी ने तब शुरू किया जब फंड रिलीज हो गया, जब हड़ताल वापस हो गई, उसके बाद आप लोग जो है मीडिया में कैंपेन चलाए और सब मीडिया वाले को पहले बुलाया, फिर उसके बाद आप लोगों ने सफाई शुरू की दिल्ली। देखिए, हमने ये सफाई अभियान 2 दिन पहले प्लान कर लिया था और इसका ये कहना नहीं है कि फंड रिलीज होने से इसका कोई संबंध है। कर्मचारियों ने जब हमारे आगे जब सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ था और कर्मचारी हड़ताल पे थे उस समय तो कोई नहीं आया साफ करने के लिए। देखिए, वो कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं एमसीडी को जो बीजेपी शासित है। हमारे पास जब हमारे डायरेक्ट परव्यू में ही वो मैटर नहीं आता तो हम कैसे उसको इंटरवीन करें। जब कर्मचारियों ने हमारे को अप्रोच करा तो हमने 2 दिन के अंदर फंड रिलीज कर दिया। आप ये देखिए ना, एमसीडी को आज तक आप ये बताइए, जो आज ये बताइए एक बार, क्या सरकार, क्या एमसीडी का कर्मचारी, क्या एमसीडी का कर्मचारी, ऐसा क्या हो गया है कि पहले जब से हमारी सरकार आई है तब से ही एमसीडी भाजपा इन मुद्दों को एमसीडी के थ्रू हमें परेशान करने के लिए, और हमें नहीं दिल्ली की जनता नहीं, मैं भी, आज हम भी, कपिल जी इससे पहले भी सैलरी के इश्यूज आते रहे हैं। जब शीला दीक्षित यहाँ पे मुख्यमंत्री थी उस समय भी हड़ताल हुए हैं एमसीडी के, बीजेपी के टाइम में भी हड़ताल हुए हैं। लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा कि जब आपको कर्मचारी ने अप्रोच किया तो आपने रिलीज कर दिया, अप्रोच करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो सीधा होना चाहिए ना, जैसे सैलरी सबको मिलती वैसे मिलनी चाहिए। हमने कर्मचारियों को, कपिल जी हम आपके पास आएंगे, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में हड़ताल एक नियमित प्रक्रिया हो गई है, अगर किसी भी कर्मचारी को अपनी सैलरी लेनी है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हड़ताल ही एक ऑप्शन बचता है। हमारे साथ रेखा गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता हैं। स्वागत है रेखा जी आपका साधना न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी, उनका पैसा बीजेपी खाना चाहती है, यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, इस इनकी बात के कहने से ही ये पता लगता है कि ना तो इनको प्रशासन का, ना प्रशासनिक तंत्र का कुछ मालूम है। ऐसे किसी की तनख्वाह के पैसे कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी खा नहीं सकती, या इनकी सोच में इसी प्रकार की बातें रहती होंगी। अरे एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह है, सवाल ये है जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो ये है कि इनके आरोप लगाने से फंड रिलीज करती है सरकार, वो एमसीडी दूसरे हेड में खर्च कर देती है। ऐसा नहीं होता है, जो फंड जो उनकी तनख्वाह के लिए मिलता है वो उस तनख्वाह में ही जाता है। और जितनी बार भी बात हुई है, अभी सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज यदि दिल्ली सरकार से डिमांड रखी गई वो तनख्वाह के पैसे के लिए, रेखा जी, के हम आपका दोबारा से करेंगे। हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं, ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं, उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। हर्ष जी स्वागत है आपका वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी,
ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें, 25% हिस्सा दिल्ली की आबादी का वहां पर रहता है और 50,000 टन कूड़ा सड़कों पर जमा है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी सारी बनती है क्योंकि सफाई का काम नगर निगम का है, लेकिन हमारे से बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को फाइनेंशियली वायबल करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है, जो कि अपनी जिम्मेदारी से लगातार भागते रहे, लगातार ड्रामे करते रहे, अनाउंसमेंट करते रहे, एक भी पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी इस समय तक पैसा रिलीज नहीं किया गया। कपिल जी हमारे साथ, आपके प्रवक्ता हैं, कपिल जी जवाब दीजिए, बोलने पैसा रिलीज नहीं किया गया? हम लोगों ने दिल्ली सरकार का जो दायित्व बनता है उसको दिल्ली सरकार ने वक्त से पहले निभाया है। जो पैसा इस क्वार्टर के आखिरी में जाना था, वो कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्वार्टर के शुरू में वो पैसा रिलीज कर दिया गया। आप मेयर साहब, मेरा आपसे ये मानना है, आप ये बताइए, आप इस ईडीएमसी की मैनेजमेंट को जब संभाल नहीं पा रही है तो उसका जिम्मा या उसका ठीकरा आप दिल्ली सरकार पर क्यों फोड़ रहे हैं? क्या आपको आज आप टैक्स कलेक्शन पे, रेवेन्यू कलेक्शन पे, उन चीजों पर काम क्यों नहीं देते जिस चीज के लिए जनता ने कॉरपोरेशन को चुना हुआ है? दिल्ली सरकार को भी जनता ने थंपिंग मेजोरिटी के भेजा, उनका दायित्व है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। परेशानी यही है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन निभाना चाहते हैं, पर बीजेपी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं, राजनीति के रूप में धंधा खिलवाड़ करके इस देश की जनता के साथ दोनों को रोकना चाहेंगे। कपिल जी और हर्ष जी, आप दोनों, ये तो सफाई कर्मचारियों का मामला था, जून तक पैसा देने की बात कर रहे हैं, आपने 2.5 महीने लेट कर दिया पैसा। जी, एक सवाल और है, आपने पैसा पहले हफ्ते में क्यों नहीं दिया? आज तक इससे पहले की सरकार ने पहले क्वार्टर के पहले हफ्ते में पैसा रिलीज करती रही है। अगर आज आप ये बताइए कि अगर आज तक की सरकार इतनी इतने ढंग से चल रही थी तो आपने मार्च से पहले भी आप लोगों के यहाँ पर सैलरी के इश्यू क्यों आते थे? देखिए, आप जनता को गुमराह करके ये बताना चाहते हैं, जनता को ये बिल्कुल समझ आया हुआ है कि एमसीडी हर जी हमारे साथ यहाँ विभा सिंह जी भी जुड़ी हुई है जो कि टीचर्स एसोसिएशन से आती हैं। उनका ये कहना है कि हर्ष जी, यहाँ पर हमारे साथ विभा सिंह जी भी हैं, टीचर्स एसोसिएशन से हैं, और उनका ये कहना है कि ईस्ट दिल्ली में मार्च से अब तक टीचर्स की सैलरी नहीं आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी मार्च से तनख्वाह नहीं आएगी उनका घर कैसे चल रहा होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग 3 बार कपिल जी जवाब दे जवाब ले लेते हैं। विभा जी झूठ बोल रही हैं, अप्रैल की सैलरी सभी टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स सबको को मिल चुकी है। विभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, विभा सिंह जी जवाब दीजिए। विभा जी झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए। अभी आई नहीं है हम लोगों के अकाउंट में, जब तक नहीं आती तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हमारी अप्रैल की सैलरी आ गई। विभा जी आप झूठ बोल रही हैं, अप्रैल की सैलरी सभी टीचर्स की उनके अकाउंट में जा चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की सबसे बाद में आती है। हर्ष जी ये बताइए, जो अकाउंट होल्डर है अभी हम लोगों के अकाउंट में नहीं आई है, यही बात हम बार बार उठा रहे हैं। हर जी इन दोनों की बात सुन लीजिए। देखिए हर जी इसमें कोई भी कहानी गढ़े, असलियत में प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ये दिख रहा है, हम पैसा रिलीज करते हैं, भाजपा उस पैसे को किस ढंग से मैनेज कर रही है और मैनिपुलेट कर रही है। आपके पास भी आएंगे, बोलिए चैनल पे, आप देश के सामने झूठ मत बोलिए, आपने झूठ बोल बोल के सरकार। सर जी झूठ बोलने का काम हमारा नहीं है, झूठ बोलने का काम है भाजपा का। भाजपा ने जितने जुमले सिद्ध करे हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन आज तक आपका कोई जुमला सिद्ध नहीं हुआ सिवाय एनसीडी से रिलेटेड जो 2-3 जुमले आपने वो आपने सिद्ध कर दिए, बाकी कोई चुनावी जुमला आप पूरा नहीं कर पाए। एमसीडी को कहा जाता है महाकरप्ट डिपार्टमेंट, वो भाजपा ने सिद्ध कर दिया। एमसीडी को कहा जाता है मेरा कमीशन 2 डिपार्टमेंट, वो एमसीडी को आप भाजपा ने सिद्ध कर दिया। भाजपा ने सिवाय एमसीडी के अंदर करप्शन को 8 साल में बढ़ावा देते हुए। हर्ष जी का जवाब तो ले लें, आप सवाल पे सवाल ही किए जा रहे हैं। हमारे को पैसा इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ कपिल जी से कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल से लेके आज तक कितना पैसा और कब दिया है? मैं डाटा मांग रहा हूँ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कपिल जी बताइए एग्जैक्ट फिगर बताइए और हफ्ता बताइए कब दिया है, और आपसे नहीं बता रहे हैं जी। देखिए मैं इस वक्त में अपनी कहूंगा कि मेरा एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे से हमेशा से हर साल हमारा ड्यू अमाउंट बनता है उस अमाउंट को हम प्री पेमेंट कर चुके हैं। मैं उसके आपको ठीक है, मैं एमसीडी वाले फंड की बात नहीं करूंगा। हमारे पास, हमारे साथ विभा जी अपने पूरे आंकड़े के साथ हैं। हर्ष जी
हर्षी, एमसीडी टीचर्स एसोसिएशन की एसोसिएशन की विभाग जी हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि अप्रैल की सैलरी चली गई है, अभी जून चल रहा है, जून की मई की सबकी सैलरी आ गई, आप अप्रैल की कह रहे हैं, लेकिन विभाग जी सीधे तौर पे कह रही हैं, जो कि टीचर भी हैं और एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। रिलीज होनी थी, नहीं उनका सीधा कहना, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, अभी अपना अकाउंट चेक करके आ रही है वो, नहीं उनके अकाउंट में तो नहीं आया है, मंडे तक आ जाए तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मई की सैलरी सिर्फ 7 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों का रिलीज किया है, हमें 92 करोड़ की सैलरी लेकिन होती है। हर जी सवाल तो ये खड़ा होता है, सफाई कर्मचारियों का फंड आपने कब रिलीज किया, जब वो 12 दिन से अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर बैठे थे। आप कपिल जी सीधा जवाब दीजिए ना, अभी तक पैसा क्यों नहीं रिलीज किया गया? देखिए हर्जी, मैं इस बात को, देखिए बार बार में किसी असत्य को बोलने से वो सत्य नहीं हो जाता। हम लोगों ने जो पैसा ड्यू बनता था उसकी प्रीपोनमेंट करी है, पेमेंट की, ना कि डिले करा पैसे को। आप बात को घुमाने, जो भाजपा की महारत है आप उसपे मत खेलिए, इससे देश की जनता, राजधानी की जनता, जिन्होंने आपको 8 साल से एनसीडी के अंदर बिठा रखा है, उसके साथ आप सीधा सीधा धोखा कर रहे हैं। आपको अपनी हार हजम नहीं हो रही, इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके एमसीडी तक भाजपा सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है और उसका ठीकरा अरविंद केजरीवाल की सरकार को फोड़ने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कपिल जी आप हमारे साथ बने रहेगा, हर जी आप भी हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ रेखा गुप्ता जी भी जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता है, वो कुछ कहना चाह रही है। जी रेखा जी, देखिए कितनी मजेदार बात है, ईस्ट एमसीडी के मेयर हर्ष मल्होत्रा जी बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं मिश्रा जी से, वो बजाय इसका जवाब देने के कैसे घुमा घुमा करके बात कर रहे हैं। आज दिल्ली में जितनी भी अव्यवस्था फैली है वो केवल और केवल आज की वर्तमान दिल्ली सरकार की वजह से फैली है। जब उनको तनख्वाह देनी चाहिए थी वो दी नहीं उन्होंने, इससे पहले नॉर्थ एमसीडी में स्ट्राइक हुई, बुरा हाल हो गया, इस समय ईस्ट एमसीडी में स्ट्राइक हो करके आप क्यों नहीं सीधे सीधे जो दिल्ली नगर निगम का शेयर है, जब आप सैनिटेशन कभी तो करेगा, कोई कर्मचारी जनता ने सैनिटेशन के लिए मुझे हमारी सरकार को नहीं चुना हुआ, जनता ने हमारी सरकार को सैनिटेशन के लिए बैठे हो, आपको हर महीने लाख रुपए कह रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक सरकार के नुमाइंदा ऐसे नहीं कह सकता। जिसके घर में जिम्मेदारी है रेखा जी, सफाई कर्मचारी कैसे अपना चूल्हा जलाए, कैसे काम करे? आप एमएलए हो, आपको तनख्वाह मिल रही है 1,00,000 रुपए महीना, आप इसलिए बातें बना रहे हो जब 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं पहुंची। पहली बात तो है कि मैं एमएलए नहीं हूँ और किसी एमएलए को 1,00,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती, तो आपके पास तथ्यों की कोई किसी तथ्य को बोलने से पहले आप सोचिए। जी जितने 67 एमएलए, अरे तो मैडम 3 एमएलए आपके, उनके इलाकों में आपने कितनी सफाई करवा दी? आप ये बताइए, 3 एमएलए आपके हैं, आप क्या आपने उन एमएलए के इलाकों में सफाई करवा दी? 7 MP भाजपा के हैं, भाजपा ने कितना एमपी लैंड फंड से पैसा रिलीज करवा दिया? केंद्र सरकार भाजपा की है। आपके पास अव्यवस्था की आप बात करें, अव्यवस्था सिर्फ भाजपा के नेताओं में और उनके दिमाग में फैली हुई है, जिससे वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अव्यवस्था जनता में नहीं है, आज जनता का समर्थन आप लोगों ने, आप लोगों ने वो कहते थे कोशिशें करी है, जनता आईना दिखा देती है आपको, हर बार जनता आईना दिखाती है, और मुझे पूरा यकीन है दिल्ली की जनता आपकी इन औसी हरकतों को देखते हुए फिर दोबारा आपको एमसीडी के इलेक्शन दिखाएगी आईना, जनता आईना सबको दिखाएगी। आपका एकमात्र ध्येय यही है, आपका एकमात्र ध्येय यही है, आप ये जाना चाहते हो हमारे नगर निगम को, आज हमारे वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नेता और सेल्फलेस कार्यकर्ता दिल्ली की रोड पर खड़े होकर खुद झाड़ू नहीं चला रहे होते, आपके सतीश उपाध्याय जी की तरह फोटो नहीं खिंचवाते कूड़ा फिलवा के, तो आप हमें ये मत बताइए कि हमारा ध्येय क्या है? आपको आपको यदि जानकारी नहीं है, देश की सेवा करना, आज जब दिल्ली नगर निगम की रेखा जी आप लोगों को राजनीति भाजपा के अध्यक्ष जी वहाँ जाकर के खड़े थे ताकि प्रशासन काम पहले, रेखा जी आप पहले यही तो काम आप करते हैं, जब तक कपिल जी, कपिल जी आज कपिल जी झाड़ू लगाने चले गए, कपिल जी रेखा जी यही 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 वजह है, यही वजह है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो आप दोनों पार्टियां कर रही हैं, यही वजह है कि आज राजधानी दिल्ली कूड़े के ढेर पर है। रेखा जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप दोनों में से कोई भी चल रही थी तभी आपने सुझाया नहीं झाड़ू लगाने के लिए, शीला दीक्षित सरकार में झाड़ू लगाने, रेखा जी आप हमारे साथ बने रहिएगा,
शीला दीक्षित सरकार में ही ये तीन डिवाइड किए गए थे जोन, और इसी की वजह से आज ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और उसी विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारे साथ हैं। मैडम, दिल्ली में आपने 15 साल तक राज किया और बीजेपी की जब केंद्र में सरकार थी उस टाइम भी आपकी सरकार थी, ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली। सफाई कर्मचारियों का जहां तक ताल्लुक था, जब वो पैसा नहीं देते थे तो हम लोग दिया करते थे उनको कि आप इस पैसे से इनको पेमेंट करिएगा, क्योंकि इनको किसी हालत में सफ़र नहीं करना चाहिए। और दिल्ली कभी ऐसी गंदी हुई नहीं है। वैसे ही दिल्ली में कूड़ा जो पैदा होता है वो बहुत बड़ा, उसका संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़ा शहर है। हमारा ये भी उन लोगों से कहना था कि आपको इसको मैकेनाइज कर देना चाहिए, पर फिर उस बात को भी रोका गया था कि कर्मचारियों का क्या होगा। तो कर्मचारी या जो भी काम करता है वो उसकी रक्षा करना सबसे प्रथम काम किसी भी सरकार का है। और ये मुझे ये खुशी है कि कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया और कहा है कि मई तक की तनख्वाह तो आप दे दीजिएगा, आगे अब ये फैसला करेंगे। केजरीवाल जी पर टिप्पणी मैं नहीं करूँगी, वो सरकार में हैं, सरकार की जिम्मेदारी उनकी है, जैसे भी निभाएं निभाएं। तो केजरीवाल जी के बारे में या इनके बारे में मैं कोई उनकी निजी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, अब देखते हैं, अब जनता ने उनको चुना है, अब देखते हैं क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि MCG के पास पैसा होना चाहिए। कितना सारा टैक्सेशन में पैसा उनको मिलता है, हाउस टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, तो कलेक्ट कर ले तो हो जाना चाहिए। लेकिन इस पर मैं विश्वास से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या उनका टैक्स कलेक्शन का रेट है? दिल्ली सरकार भी तो छोटी सरकार थी, है, करती है अपना टैक्स, करती है, कभी किसी से मांगा नहीं और कभी पेमेंट में डिले किसी को नहीं किया है। तो जब दिल्ली सरकार ये कर सकती है तो MCD भी कर सकती है। कपिल भारद्वाज जी, आपने सुना यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को, एक साल पहले तक उनकी सरकार थी और अगर MCD को कुछ फंड की जरूरत भी होती थी तो वो दिल्ली सरकार की सफाई वगैरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, खुद अपनी तरफ से फंड दिया करती थी, खुद कह रही हैं। MCD अपने टैक्स कलेक्शन के मामले में, अपनी मैनेजमेंट के मामले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि MCD इतनी बुरी हालात में कभी नहीं आई थी जितनी हालात में भाजपा ने उसको खड़ा कर दिया है आज। तो हम मुख्यमंत्री की बात से मैं कुछ हद तक सहमत होता हूँ, पार्टी लाइन से बाहर भी आप देखिए। लेकिन एक आंकड़ा तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक आंकड़ा तो मैं भी आपको बता दूं, जब ये पूरा डेफिसिट जो 1800 करोड़ का जो डेफिसिट था वो उसी समय था जब पूरा विभाजन किया गया था, और वो डेफिसिट अब से अभी तक MCD उभर नहीं पाई है। देखिए, मैं उस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये जो विभाजन हुआ था ये मेरा पूरे रूप से मानना है, ये विभाजन कांग्रेस और भाजपा ने एक भाई भाई वाले हिसाब से करा था कि इसको तीन हिस्से में बांट दिया जाए और हमारे जितने उन सबको पद मिल जाए, सबको गाड़ियां मिल जाए, सबको दफ्तर मिल जाए। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी, इससे आज तक दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी, आपकी मिली भगत वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। बीजेपी जो चाहती थी, MCD पे बीजेपी का अधिकार था। 1993 में पहली बार सरकार बनाने पे भी ये बोल रही थी कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अब बीजेपी ने उस बात को बदल दिया। बीजेपी तो हमेशा ही सत्ता में आने के लिए वायदे करती है, प्रलोभन देती है और फिर अमित शाह के आगे बोल देते हैं, ये चुनावी जुमले हैं और फिर पीछे हट जाती है। MCD को बीजेपी के चंगुल से या बीजेपी के आधिपत्य से निकालने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली थी कि शायद अगर बंटवारा कर दिया जाए तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से तीनों जोन में जो है बीजेपी चुन के आ गई है। पूर्ण रूप से बीजेपी के आधिपत्य से बाहर नहीं निकल पाई, दोबारा इन्होंने उसमें चंगुल बना लिया ऐसा कि उसको बर्बाद कर दिया। एक गारंटी चाहूंगा आप लोगों से, ये इतनी राजनीति, सबको एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, बीजेपी आप पे लगा रही है, आप लेकिन क्या इस बात की गारंटी आप लोगों में से कोई देंगे कि अगली बार भी जो है सैलरी वो टाइम पे आएगी, इतना बखेरा नहीं खड़ा होगा, दिल्ली को फिर नहीं भुगतना होगा? देखिए, दिल्ली सरकार इस मामले में बहुत सीरियस है और वो पूर्ण रूप से इसको सॉल्व करना चाहती है और अभी भी अपनी कमिटमेंट पे हमेशा सफल रही है। मैं ये चाहूंगा रेखा जी एक बार तो ये करके दिखाएं कि अपने शासित
एनसीडी में सुशासन नाम की कोई चीज लेके आए, अपना टैक्स कलेक्शन जो नहीं करेंगे। सारे इनका उद्देश्य क्या है? आपके पास जितेंद्र तोमर आपके सुशासन के मायने हैं, आपके सोमनाथ भारती सुशासन के मायने हैं, राखी बिरलान सुशासन के मायने हैं, कुमार आप चलूंगा तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा उस मामले का संभालना। दूसरे मामले की बात करेंगे सुशासन के, अरे साथ को आज क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अच्छी तरह से जानता है आपको, आज रेखा जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा, विभा जी कुछ बोल रही है। नगर निगम का बेहाल करने के बाद में रेखा जी, विभा जी टीचर के बाद में आप टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, महासचिव हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। नहीं रेखा जी से तो नहीं, मैं कपिल जी से कहूंगी कि कपिल जी ने ये कहा कि आगे ध्यान रखेगी, लेकिन सीएम सर ने हमारे ये रामलीला ग्राउंड में अनाउंस कर दिया कि मई तक की सैलरी तो हम दे देंगे लेकिन उसके बाद की सैलरी हम नहीं देंगे। उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए, अनाउंसमेंट के बाद भी उन्होंने तुरंत हमें सैलरी नहीं दी, बल्कि फंड का पैसा कल शाम तक नहीं आया था। सर एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा आपने फर्स्ट क्वार्टर रिलीज कर दिया, ठीक है, सेकंड क्वार्टर रिलीज कर चुके हैं सर, सेकंड क्वार्टर, अब जो आप पैसे दे रहे हैं वो सेकंड क्वार्टर, लेकिन जो आपने फंड रिलीज करेंगे लेकिन वो केवल एजुकेशन का फंड होगा। आपने ग्लोबल शेयर नहीं दिया, आपने म्युनिसिपल जो रिफॉर्म्स के हैं उसके पैसे नहीं दिए, जिससे बाकी लोगों की तनख्वाह आती है। एजुकेशन फंड से तो केवल एजुकेशन के लोग जितने भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी मिलती है। अगर आप 23 डिपार्टमेंट में से केवल एक डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी देंगे तो बाकी लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगी? ये तो होना ही है। लेकिन जहां तक बात है कूड़े की, 12 दिन की सियासत की, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग आज रोड पे उन सफाई कर्मचारियों के साथ कूड़ा उठाने में फोटो खिंचवा रहे हैं, ये लोग आज से 12 दिन पहले कहां थे? जब कर्मचारी धरने पे गए, हड़ताल पे गए, उस समय उन्होंने क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, जो आज अभियान चलाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े को साफ करने की, आखिरकार ये सभी 12 दिन से कहां थे? बीजेपी के नेता आज कूड़े, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव त्यागी जी, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव जी स्वागत है आपका वंदे मातरम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कूड़े पर किचकिच हो रही है, उसका सबसे बड़ा विलेन आप किसे मानते हैं? देखिए, कावत देहात क्षेत्र में शेर का भाई बगेरा, एक कुदे नौहत दूसरा तेरा, तो निश्चित रूप से मुझे पता लगता है कि मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों ही जिम्मेदार इस समस्या के लिए। मुझे याद आता है जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत मोदी जी ने की थी तो कूड़ा डलवा करके वाल्मीकि बस्ती में बकायदा सफाई करने का कार्य किया था, झाड़ू लगाई थी उन्होंने। तो मोदी जी अब सेल्फी कूड़े के साथ तो खिंचाने नहीं आए जब दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में ये सब हालात हुए। दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो कहते थे मैं पार्टी में डिफरेंस है और डिफरेंट पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग बाग, हेलो जी जी बोलिए, हेलो जी, तो मुझे लगता है कि उस विषय पे केजरीवाल जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और सभी संवैधानिक संस्थाओं से टकराव कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी हर चीज पे आपत्ति होती है। जब उनकी आपत्ति होती है तो लोग विपत्ति में फंस जाते हैं। जिस तरह से सफाई कर्मचारी 12,000 सफाई कर्मचारी विपत्ति में फंस गए, मैं कहना चाहूंगा होता है क्या दिल्ली नगर निगम में केजरीवाल जी अगर कोई स्टैंड लेना चाहे स्टैंड नहीं ले सकते? वो निश्चित रूप से स्टैंड ले सकते हैं, अगर वो चाहते तो पहली बार ये चीजें हो सकती थी। और मुझे याद आता है कि दिल्ली में पिछले 20 साल में 25 साल में ऐसे कभी हालात नहीं बने कि 4 महीने में किसी भी सरकार के टेन्योर में एकदम से कूड़ा सड़कों पे आ गया हो। तो निश्चित रूप से 2013 में आपके रीजन में भी एमसीडी में हड़ताल हुआ था राजीव जी, जो चिंता का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए। 2013 में भी एमसीडी में हड़ताल हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कूड़ा सड़कों पे नहीं देखा हमने? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विगत 15 सालों में दिल्ली को बेहतर बनाने का काम किया, विकसित दिल्ली बनाने का काम किया, वो बहुत बेहतरीन कार्य था, लोग बाग इस बात से रूबरू हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल से हम लोग बाग डिबेट कर रहे हैं सिर्फ अराजकता के ऊपर और कंट्रोवर्सीज के ऊपर। मेरा मानना है कि डिबेट होनी चाहिए थी विकास को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बेहतर दिल्ली को लेकर के, लेकिन मुझे शर्म आती है कि एक साल से आम आदमी पार्टी की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के फालसीगो की वजह से हम लोग बाग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे डिबेट कर रहे हैं, जो चिंता का विषय भारतीय लोकतंत्र की। जी बिल्कुल सही, सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने हुए नहीं और आप कहां से एक साल में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे इस बात का? आप एक बात का जवाब दीजिए, आपकी खुद की पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात बोली है कि आप लोगों ने विकास करता नहीं हुआ है जबकि वो विकास पुरुष बनना चाहते हैं। आप एक बात आइए, मैं इस देश की जनता के सामने एक बहुत छोटा सा तथ्य रखना चाहूंगा, भाजपा ने मिसमैनेजमेंट नहीं करी है, भाजपा
सत्ता से टकराव है, आप इसी नगर करोड़ आप तो वो व्यक्ति है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव करने की बात कर दें। वेबसाइट बनने में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए और 12 करोड़ रुपए इसकी साल की मेंटेनेंस दी जा रही है। आप इस बात का जवाब दीजिए ना, अगर वो 82 करोड़ रुपया साल का अगर आप पब्लिक के कामों पे खर्च करते हैं, लोगों की सैलरी देने पे खर्च करते तो आपको होता, आप नई गाड़ियां, नए दफ्तर, अपने मेयरों की पूजा करवाने में, उनको मालाएं पहनवाने में, अपने आप को नेता स्थापित करने में एनसीडी का पैसा खर्च कर रहे हैं। रेखा जी, मैं लास्ट रिएक्शन देना चाहूंगा, फिर मुझे कहीं और डिबेट पे जाना है। जी जी, राजीव जी आपके पास आएंगे, बस एक छोटा सा उत्तर मैं रेखा जी से ले लूं। जी बताएं जी। रेखा जी, कपिल जी यहाँ ये कह रहे हैं कि आपने एमसीडी की वेबसाइट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अगर वो दिल्ली के विकास पर लोगों की सैलरी देने में लगाया होता तो बात कुछ और होती। मैं कपिल जी से कहना चाहूंगी, आरटीआई लगा करके खर्चा निकलवा लें, देख ले हमने कितने मालाएं पहनाई है, कितने हैं। आप अपने मुख्यमंत्री का देखे, करोड़ों रुपए का बजट होर्डिंग लगाने में लगा दिया, अपनी फोटो चमकाने में कि जेल भेज देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, फिर उसके बाद करोड़ों रुपए के होर्डिंग फिर लगा दिए, सस्पेंड कर दिए। और सूची का क्या हुआ? सूची जब भेजी है तो उसको इतने दिनों बाद वो भी पता नहीं क्या काट छाट करके कितने कितने नकली नाम जोड़े गए हैं। आप अपना गिरेबान देखिए और आरटीआई लगा के चेक करवा लीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, आरटीआई लगा के जरूर चेक कराइएगा। मैं आपको हम एक जनसभा में गए थे तो भाजपा के एक काउंसलर ने हमसे ये पूछा कि जी अभी तक मेरे इलाके में पास स्कूल नहीं बने। ये बातें सिर्फ भाजपा कर सकती है कि 3 महीने के अंदर सरकार ने पास स्कूल नहीं बनाए। हमने जो काम करे भाजपा ने कभी, आज दिल्ली के अंदर बिजली पानी की समस्या, आज आप जाके देखिए करावला अंबेडकर नगर दिल्ली में जहाँ कपिल जी आपने बोला था महिला सुरक्षा के लिए ऐप बनाई जाएगी, ऐप बना दी, पूरा शोर भी कर दिया, लेकिन वो ऐप को मॉनिटर कौन कर रहा है, किस तरह से रेगुलेट हो रही है, किसी को भी नहीं पता। एक भी काम, एक भी विषय, इन्होंने तो खुद ये कह दिया कि 100% वायदे पूरे नहीं होते। जी जी, तो समझिए कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और उस 40 में से भी कहां ध्यान है, आपकी तरह तो नहीं कहा, 50% बिजली कम कर देंगे, क्यों बिजली के रेट बढ़ाए। कपिल जी राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी से बस मैं एक उत्तर ले लूं। जी राजीव जी आपका रिएक्शन। देखिए अंग्रेजी की कहावत है, टू डिफेंड सेल्फ वीकनेसेस कर्स अदर। अगर आपको अपनी कमजोरियां छुपानी है तो दूसरे को आलोचना करना शुरू कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वही कार्य कर रही है। दोनों ही सरकार अपने अपने फ्रंट पे फेल हैं पूर्णतया, ना तो गवर्नेंस दे पा रही है, ना विकास कर पा रही है, और ना ही दिल्ली को बेहतर जीवन दे पा रही है। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक लोगों को निश्चित रूप से एक विषय पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक शेर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, नगर दिल को हरदास एक बार पढ़ना। 15 साल दिल्ली हमने भी चलाई, बेहतर दिल्ली चलाई, जबकि नगर निगम में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कभी ऐसा टकराव नहीं हुआ, पूरा कभी सड़कों पे आया हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री बेहतर गवर्नेंस करके दिल्ली को बेहतर करने का काम किया, यही कांग्रेस पार्टी की खूबी है। सत्ता पर आसीन हुए हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। देखिए हमारी सरकार, जहाँ जहाँ हमारी सरकार के अंडर के जो इतने भी एरियाज आते हैं उसमें पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है, जिससे दिल्ली की जनता खुश है। लेकिन बीजेपी की जनता ही तो खुश नहीं है। 55,000 कर्मचारियों को नियमित करने की बात आपने कही थी, वो अभी कहाँ है? देखिए एक प्रोसेस होता है, आप ये सोचिए, मैं पता हमें सबसे ज्यादा खुशी है तो आप एक बात देखिए, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि दिल्ली की जनता को हमारे से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो सोचते हैं हम हर मसले का हल 48 घंटे में कर देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस और भाजपा ने देश का काम नहीं कराया। 1.5 साल होने वाला है जी। जी रेखा जी, 1.5 साल होने वाला है कह रहा, 48 घंटे की बातें करते हैं। पहले दिन से इन्होंने कर्मचारियों को प्रॉमिस किया हुआ है सब टेम्प्रेरी लोगों को हम परमानेंट कर देंगे, उनके पास जाकर के बात करने तक की फुर्सत केजरीवाल जी के पास नहीं रही। लेकिन कपिल जी आप क्यों, कपिल जी आप क्यों बीजेपी से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? आप तो खुद ही कहकर आए थे कि हम बीजेपी और कांग्रेस से बिल्कुल अलग राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए हम कर रहे हैं, हम राजनीति ही नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे सर। आपका एक प्रॉमिस था कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, गेस्ट टीचर्स को आप लोग परमानेंट कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। अब एक ऐसा लिया गया है डिसीजन आपकी ओर से कि गेस्ट टीचर्स को आप कर देंगे, लेकिन जो एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं उनका नाम आपने नहीं जोड़ा। एक बार आप सर सुन लीजिए आपने खुद कहा कि हमने गेस्ट टीचर्स को कंफर्म करा, नहीं कंफर्म नहीं करा सर, इवैल्यूएशन होती है,
कंफर्म नहीं करा सर, आपने अभी वादा किया उनको कि हम करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हमारे यहाँ एमसीडी में अनुबंध के टीचर्स हैं उनको आपने साथ में क्यों नहीं रखा? आप दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के, क्योंकि गेस्ट टीचर दिल्ली गवर्नमेंट के हैं और जो अनुबंध के टीचर्स हैं वो एमसीडी के हैं। कि आज तक हमने कभी सुना नहीं था कि कूड़े पर भी राजनीति हो सकता है या हो रहा है, मगर आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस प्रकार कूड़े पर राजनीति हो रही है। 30 वर्षों से अधिक समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में आए हुए। दिल्ली में हमने सरकार भी बनाई, एमसीडी में भी इतने वर्षों से हैं, कई राज्यों में हमारे सरकार है, पर कहीं भी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी कूड़े पर राजनीति करती है? ये तो आम आदमी पार्टी जब से आई है इस प्रकार की राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। कल कोर्ट ने भी फटकार लगाया आम आदमी पार्टी को। देखो, कूड़ा जो साफ करने उतरे हैं, इनफैक्ट दिल्ली में कूड़ा आया क्यों? कूड़ा आम आदमी पार्टी की वजह से आया है। जो सड़कें जाम हुई हैं, जो चारों तरफ कूड़ा इकट्ठा हुआ है, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और आज जो ये निकले हैं, ये केवल ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता था कि अगर आप तनख्वाह नहीं मिलेगी, गरीब बेचारे भूखे पेट कब तक सफाई करेंगे? आपने उनकी तनख्वाह रोक रखी है। आपको केंद्र सरकार से पैसा मिला हुआ है, लेकिन आप एमसीडी को पैसा नहीं दे रहे हो तनख्वाह करने उनको, कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को। तो इसलिए आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुल ड्रामा है और ड्रामा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो जब स्ट्राइक चल रही थी तो आपस में लड़ रहे थे, अब जब स्ट्राइक खत्म होगी तो दोनों झाड़ू पकड़ लिया है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने 2012 में इनकी इसी तरीके से ईस्ट जोन में जो तनख्वाह की जब दिक्कत आ रही थी तो वहां पर वेज एंड मींस के अकाउंट में 325 करोड़ रुपया दिया था। और अब वक्त हो चला है आखिरी प्रतिक्रिया लेने से अपना सभी मेहमानों से। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कपिल भारद्वाज जी का। कपिल जी, मैं आपसे ये सवाल शुरू से पूछ रही हूँ कि 12 दिन बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में झाड़ू थामी सड़कों को साफ करने के लिए, ये इनिशिएटिव पहले दिन से क्यों नहीं लिया गया? हल को निकालने में आपको 2-4 दिन लगते हैं? 12 दिन आपको 12 दिन लगे हैं? नहीं, 12 दिन इसको भाजपा ने खींचा है। हमारे आप हर बात घुमाकर बीजेपी पर क्यों ले आते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं, पॉजिटिवली ये बताते हैं। चौथे दिन हमारे मुख्यमंत्री जी से आके सफाई कर्मचारी मिले, 7वें दिन उनको फंड रिलीज हो गया, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरे होते होते 4-5 दिन लगते हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि रामलीला मैदान के संवाद से कि इस हड़ताल का जब वायदा कर दिया गया, पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये खत्म हो जाएगी। हमें जब लगा कि इसके अंदर राजनीति खेली जा रही है, तब हमारे नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाई और आज उसके लिए सड़कों पर 6 बजे सुबह उतर गए। जी बिल्कुल। हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी भी जुड़े हुए हैं, मेयर हैं इस दिल्ली के। सर, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया मैं ये जानना चाहूंगी और साथ ही साथ ये आश्वासन भी लेना चाहूंगी, जो 50,000 टन कूड़ा इस समय ईस्ट दिल्ली की सड़कों पर है, आगे से ऐसा नहीं होगा? देखिए, दिल्ली सरकार को जो पैसा 1 अप्रैल को देना चाहिए था, पहले क्वार्टर का, वो नहीं दिया। रामलीला मैदान से घोषणा करी, आज तक पैसा नहीं दिया। आज शायद रिलीज हुआ होगा तो बैंक में 4 बजे के बाद आया होगा, 4 बजे तक पैसा नहीं आया था। हाईकोर्ट और एलजी के इंटरफेरेंस के बाद ये पैसा आया, तब तक तमाशा होता रहा। 10 दिन पहले क्यों नहीं आए ये सड़कों के ऊपर सफाई करने के लिए? रेखा जी आपसे भी ले लेंगे आखिरी प्रतिक्रिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, जनता ने उनको अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है, कृपया दिल्ली पे अपनी कृपा बनाए रखें और कृपया करके दिल्ली को साफ सुथरा, जो देश की धड़कन है, देश की राजधानी है, इसमें राजनीति ना करें। तनख्वाह के मामले में एमसीडी नगर निगम के पैसे जो है वो समय पे दे दें, ताकि यहाँ अव्यवस्था ना फैले, दिल्ली आराम से चले, निगम पे कब्जा करें। विभाजी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, आपको हर जी ने कहा है कि आपकी सैलरी आ चुकी है, अगर आपकी सैलरी आ जाए तो प्लीज हमें भी बता दीजिएगा। मंडे तक आने के चांस है ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों के अकाउंट में, मैंने ये पहले इसलिए कहा क्योंकि ईसीएस होने के बाद 3 दिन लगते हैं, ईसीएस कल हुआ है तो मंडे तक आने के चांस है। जी, तो इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों का। राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस से, कांग्रेस नेता, इसके अलावा रेखा गुप्ता बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिनसे मैंने सवाल तो कहीं पूछे लेकिन उन्होंने हर सवाल को घुमाकर ही जवाब दिया। इसके अलावा विभा सिंह का जी का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम सड़कों पे हर जगह लगा हुआ देखते हैं ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली, लेकिन आज जो दिल्ली की तस्वीर उभर कर सामने आती है, यकीन मानिए मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि ये मेरी देश की राजधानी दिल्ली है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। एक आदमी ने जहर खाकर आत्महत्या की सोची, पर उसको किसी दुकानदार ने जहर नहीं दिया, पर वो इरादे का पक्का था, वो पीछे हटने वालों में से नहीं था।
उसने मैगी के 5 बड़े पैकेट खरीदे और बना के एक साथ खा लिया। बड़ी ही टेस्टी मौत मरा बदनसीब। शादी की सालगिरह के दिन लालू जी और राबड़ी देवी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद राबड़ी जी लालू जी के पास आई और बोली, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा समझौता आप करो, थोड़ा मैं करती हूँ। लालू जी बोले, ठीक है, क्या करना है बोलो। राबड़ी देवी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं माफ कर देती हूँ। पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर, और केंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। असली विनर वो होता है जो गेम चेंजर हो। गेम चेंजर बनने के लिए आपको चाहिए लगन और आस्था का अटूट मिश्रण। आस्था देती है आपको स्थिरता, शौर्य और तेज। तेज से जन्म होता है रंगों से भरे उत्सव का, और इस अनुभव के बाद आपको मिलती है आजादी। आजादी उड़ने की, आजादी कुछ कर गुजरने की। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूँ, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूँ। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। केंट दे 100% सेफ पानी और बीमारियों से छुट्टी। केंट में है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूँ, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूँ। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूँ। इससे पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। केंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन आरओ यूवी और टीडीएस कंट्रोलर से। केंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यो ही नहीं, मैं बन जाता हूँ। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूँ। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूँ। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूँ। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर, और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। दिल्ली में बिजली की कीमतों के बढ़ोतरी पर बोले केजरीवाल, कहा बड़े हुए बिल नहीं भरे लोग। DERC ने बिजली कीमतों में 6% तक बढ़ोतरी का किया ऐलान। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी जारी है कूड़े पर राजनीति। आप नेता और बीजेपी नेताओं ने उठाए कूड़े, कूड़े उठाने पहुंचे नेताओं को पब्लिक का झेलना पड़ा गुस्सा। विरोध के बीच नागपुर में